भगवान की भक्ति, संतों का साथ पाना ही इस संसार का एक नियम है। जिस इंसान ने संतों की शरण में जाकर उनके सानिध्य में रहकर कुछ परम तत्व को जाना, वही मनुष्य का जीवन सफल है। तो देखो, हम सब जानते हैं कि संसार एक स्वप्न है, फिर भी हम आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर शीटा कसी करते हैं। जब हम सबको जब पता है कि धन दौलत मकान बच्चे परिवार सब एक दिन छोड़ करके जाना है, तो क्यों हम एक दूसरे पर ताना कसते हैं, मन मुटाव करते हैं, जहां तक कि वैध विरोध करते हैं। देखो, ये सब तुम्हारी भूल है, क्यों अहंकार में फूल रहे हो। निष्काम सेवा की भावना अपने जीवन में लाओ, जिससे तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हो, और गुरु महाराज जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना सीखो। ध्यान भजन स्मरण करोगे तो सारा भ्रम तुम्हारा दूर हो जाएगा। देखो, महापुरुष हमें लड़ना नहीं सिखाते, वे ज्ञान देकर हमारे जीवन का मूल सार को समझा देते हैं। कभी कभी की निंदा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। जब अपने मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखोगे तो निश्चित रूप से एक दिन तुम्हारे अंदर अच्छी भावना प्रकट होगी और सबके प्रति आदर की भावना करने लगोगे। गुरु महाराज जी का एक भक्त था, उसको सत्संग में बहुत लगाव था। एक दिन उसको बुखार हो गया। जब वह सत्संग में जाने लगा तो घर वालों ने कहा कि आज सत्संग में मत जाओ, तुम थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो। वह व्यक्ति बोला कि चाहे कुछ भी हो, तूफान आए, आंधी आए, पर मैं तो सत्संग में जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक नियम है, सत्संग में मैं जाता हूं तो मैं जाना ही है। घर वालों ने बहुत बताया पर वह नहीं रुका। बुखार होते हुए भी वह सत्संग की ओर गया। उसने कहा कि मैं सत्संग को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये घटना मेरे एक सगे संबंधी के साथ घटी थी। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त कर्म करता है, भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू निष्कर्म कर्म कर, निष्काम कर्म के लिए क्यों कहा? क्योंकि कर्म में कामना ना की जाए तभी उसका फल मिलता है। इस तरह से निष्काम भक्ति का पाठ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाया, और जब उस शिक्षा को ग्रहण किया तो देखो, वही अर्जुन जो निर्बल बन रहा था, धनुष उसके हाथ से गिर रहा था, कांप रहा था, भयभीत हो रहा था, दुखी हो रहा था, उसको जो समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध करूं या ना करूं, मैं जी कह रहा था कि युद्ध क्षेत्र से वापस जाना चाहता हूं, भगवान ने नीति समझाई तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ग्रस्त जीवन मानव को इसलिए नहीं मिला है कि केवल भोगों को भोगे। देखो, भोग तो फिर भी मिल सकता है अन्य जोनियों में, मगर भगवान का भजन केवल मनुष्य जोनी में ही मिलता है। पशु पक्षी अन्य जीव जंतु भोग तो भोग सकते हैं, मगर कर्म नहीं कर सकते। हम उनको हर चीज बनाकर खिलाते हैं, मगर वह खुद नहीं बना सकते। भगवान का भजन करने के लिए लक्ष्य 84 नहीं है, भजन तो केवल मानव जीवन ही कर सकते हैं, अन्य जोनियों में नहीं। तभी संतों ने कहा है, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी गर्भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। माता पिता भाई बहन बच्चे परिवार धन दौलत सभी के पास हो सकते हैं, परंतु संत का समागम और हरि की कथा किसी बिरले के घर में होती है। जीवन में अच्छे लोगों की संगति प्राप्त करना ये परमपिता परमात्मा की देन है। हम लोगों को भजन ध्यान सुमिरन अवश्य करना चाहिए, जिससे मन में शांति उत्पन्न हो और आपसी मतभेद न हो। हमारे संतों ने कहा है, ये संसार एक धर्मशाला है, जहां पर आदमी रात्रि को विश्राम करता है और सुबह अपने स्थायी घर की ओर चल देता है। संतों ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। जो शास्त्रों के अनुकूल चलता है, आत्मज्ञानियों के इशारों को समझता है, वही व्यक्ति सिंहासन पर चढ़ता है। और जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों को ना मान करके आत्मज्ञानियों की बातों को सुनकर भी अनदेखा करता है, वह संसार में ही बंध जाता है। इसी तरह ये संसार आज हमारे लिए बंधन का कारण बना हुआ है। सुंदर नारी, सुंदर पति, सुंदर माता पिता, सुंदर बेटा बहू, रिश्तेदार एवं संसार भर का जाल बिछ रखा है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से एक जाल निकालकर अपने लिए मौत का सामान तैयार करती है, यही हमारी दशा है। ये जो चमक दमक बनी है, इससे हमें जीना है, जिसमें रहकर हमें अपने मन को जीतना है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, उसने परमात्मा को जीत लिया। क्योंकि वास्तव में जो ऐसा आचरण करता है, ऐसा कर्म करता है, वो एक योगी है और वही असली साधक है। साधक का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी बढ़ा लेने से, भगनी वस्त्र पहनने से, घर बार छोड़कर जंगलों में निवास करने से वो साधक नहीं हो सकता। साधक तो वो है जो अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने पत्नी बच्चों का निर्वाह करता है, एक उसे अच्छे संस्कार देता है, परमात्मा के सद्मार्ग पर चलने की ओर अपने बच्चों अपने संतान को प्रेरित करता है, और सबके साथ मिलकर परमात्मा के प्रति अपनी आस्था एक अच्छे कर्म करता है, और वही कर्म उसका भविष्य बनते हैं। और अच्छे कर्म अच्छा भविष्य बनाते हैं, बुरे कर्म बुरा भविष्य बनाते हैं।
जिस तरह के जैसे कर्म करोगे वैसा ही भविष्य आपके सामने प्रस्तुत होगा। जिस तरह के अच्छे कर्म करोगे वैसा अच्छा भविष्य बनकर आपके जीवन सुखदायी बनेगा। इसलिए मेरी आपसे यही अनुरोध है, संतों के सानिध्य में जाएं, संतों की शरण में जाएं और एक अच्छे सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनसे अपने आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढें। और इसके साथ साथ मेरी भगवान से प्रार्थना है, आप सब पर सद्बुद्धि हो, आप सबके ऊपर भगवान का आशीष प्राप्त हो। हरिओम हरिदासम जय श्री राम हर हर महादेव।